तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं होम मेनू बार के अंदर कॉपी पेस्ट मतलब कि पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो सबसे हम एक छोटा सा डेटा बनाते हैं क्योंकि छोटे डेटा पे आपको फॉर्म जल्दी पता चलेगा, और साथ में मैं आगे क्लासेस में ही रैन बिटवीन फॉर्मूला का इस्तेमाल बहुत करूंगा। तो प्लीज एक बार आज समझ लीजिए कि रैन बिटवीन फॉर्मूला क्या होता है ताकि आगे चल के कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? ठीक है सर। हमने एक छोटा सा डेटा बनाया है। रैन बिटवीन फॉर्मूला क्या करता है कि रैंडम नंबर देता है ओटीपी टाइप का, जो नंबर आप डालेंगे उसके बीच के नंबर्स में से आप 10 और 90 डालें तो 10 और 90 के बीच का नंबर्स आपको यहाँ पे शो करेगा। हमने इसमें बॉर्डर लगा दिया, इसको कलर कर दिया। अब मेरे पास ये डेटा है, अब मैं इसको कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करना चाहूं, सेम सीट अनदर फाइल का कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूंगा तो पेस्ट हो गया जैसा कि आप लोग जानते हैं। बट हम नंबर चेंज हो गया होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि जो कॉपी की गई जो डेटा है इसमें से एक पर्टिकुलर पार्ट को पेस्ट करने का। फाइन सर। एक पर्टिकुलर पार्ट जैसे ऑल है तो जैसा कॉपी पेस्ट होता है उसी तरह से पेस्ट होगा। अगला ऑप्शन आता है फॉर्मूला, जो सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। जो फॉर्मूला आपने अभी किया है ये सिर्फ फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। करेक्ट सर। रैंड बिटवीन। जी हाँ, रैंड बिटवीन नहीं सर, रैंड बिटवीन तो अलग है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल कर रहा हूँ। नंबर दे दिया और हर बार अपने आप को चेंज करेगा। फाइन सर। फाइन। हमने इसको कॉपी किया और मुझे जैसे हमने नॉर्मली कॉपी पेस्ट करते हैं तो जैसा है वैसा ही पेस्ट करेगा ना। बिल्कुल सर। लेकिन रैन बिटवीन क्या करता है, रैन बिटवीन सॉरी माफ कीजिएगा, पेस्ट स्पेशल क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम जो है पेस्ट करे अपने हिसाब से। तो इसमें हमने अगर फॉर्मूला को सिलेक्ट कर लिया तो इसकी जस्ट फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। हमने फॉर्मूला किया तो ये जस्ट फॉर्मूला को पेस्ट करेगा। करेक्ट सर। ये फॉर्मूला कहाँ शो कर रहा है सर इसमें? हाँ, अब यही क्वेश्चन आता है कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ तो नेम है, तो नेम में कोई फॉर्मूला तो नहीं है। फॉर्मूला का मतलब हुआ जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, चाहे वो डेटा हो चाहे वो फॉर्मूला। क्या देखिए फॉर्मूला सर? देखिए सर। तो फॉर्मूला बार के अंदर जो होता है उसको पेस्ट करता है। दूसरा आता है पेस्ट एज ए वैल्यू, मतलब जो बाहर दिखता है वैल्यू जैसे 54 जो है दिखता है, जैसा दिखता है वैसा ही पेस्ट करेगा वैल्यू, बट विदाउट एनी फॉर्मेटिंग एंड अदर कंटेंट। देखा नंबर चेंज हो गया, इसलिए कंफ्यूज मत हुई है क्योंकि रैन बिटवीन हर बार अपना नंबर चेंज कर लेता है। फाइन सर। तो हमने कॉपी करके कहीं और ले गया, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू किया, तो इसका वैल्यू पेस्ट हुआ, फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ। तो हम एक और चीज चाहते हैं कि हम फॉर्मूला रिमूव करना चाहते हैं। जैसे ये देखिए कि हर बार क्लिक करने पे मेरा ये मार्क्स चेंज हो रहा है, मैं चाहता हूं इसकी फॉर्मूला रिमूव हो जाए, मतलब इसकी फॉर्मूला किसी के इसकी वैल्यू से रिप्लेस हो जाए, मतलब कि यहाँ पे जो 20 है मैनुअल 20 लिखा हुआ है। तो हम इसी को कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू, ठीक है?
और देखिए हट गया क्या सर? हाँ जी सर। यूज हम लोग ऑफिस में रिपोर्ट्स वगैरह बनाने के लिए बहुत करते हैं। आप किस तरह की रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं? जैसे कि आप, एक मिनट मैं इसको बंद करता हूँ, तो एक रिपोर्ट ओपन करता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ह्यूमन रिसोर्स की रिपोर्ट ही हम ले लेते चलिए। अब आपके सामने रिपोर्ट दिख रहा है सर? अब ये रिपोर्ट्स आया हुआ है हमारे डिफरेंट डिफरेंट सीट के डेटा से। अब मान लीजिए कि मुझे किसी को रिपोर्ट भेजना है, तो अगर मैंने जैसा वैसा भेज दिया तो क्या होगा कि मुझे इसके साथ डेटा भी भेजना पड़ेगा। बट अगर मैंने इसके साथ डेटा भेजा तो दिक्कत क्या होगा कि फाइल काफी लार्ज हो जाएगी, या फिर डेटा सिक्योरिटी है कि हम किसी को डेटा ना दें क्या? एक्सेप्ट अगर डेटा हम ना भेजेंगे तो फिर ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा जो फॉर्मूला लगा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके करते हैं मूव एंड कॉपी। क्या करते हैं, सीट के ऊपर राइट क्लिक, जैसे सीट को कॉपी कैसे करते हैं देख लीजिए सर, सीट के नेम के ऊपर राइट क्लिक कीजिए मूव एंड कॉपी, और यहाँ क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दीजिएगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा वरना मूव हो जाएगा आपका। न्यू वो मतलब कि एक नई फाइल में हमें करना है, उसके बाद हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि एक फाइल खुलेगा और उसमें हमारा रिपोर्ट आ जाएगा। ये स्लाइसर नहीं आया क्योंकि स्लाइसर पिवट का है, तो पिवट नहीं आया, स्लाइसर नहीं आया, तो इसको इग्नोर कीजिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मूले लगे हैं, अलग अलग जगहों पे लगे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ वन और ए के बीच में जो रेक्टेंगल होता है इस पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होता है कि पूरी की पूरी सीट आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। क्या सिलेक्ट हो जाएगी? पूरी की पूरी आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है जी सर, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज वैल्यू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि सारे फॉर्मूले रिमूव। अब इसको सेव करके जहां मेल करना है मेल कर दीजिए। क्लियर सर? क्लियर सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बैक टू टॉपिक। मैं इसको सेव बंद कर देता हूं। अब अगला टॉपिक आता है कि हमें न डेटा चाहिए न वैल्यू चाहिए, हमें इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए। फॉर्मेटिंग मतलब जो इसका कलर है, बॉर्डर है और वगैरह वगैरह जो है वो चीजें चाहिए। तो हम इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, इसमें आपको होता है तीसरा नंबर फॉर्मेट, जो सिर्फ फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। आता है कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। अब जैसे कि मार्क्स है, इससे रिलेटेड कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो हम इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक और यहां करेंगे न्यू कमेंट्स, और न्यू कमेंट्स में यहां डाल देंगे कि दिस इज
ए फाइनल मार्क्स डाल के और हमने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया। तो अब जैसे इस पर कर्सर जाएगा मुझे दिख जाएगा, कर्सर हट जाएगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। अब मुझे कहीं पे पेज कॉपी करके पेस्ट करना है तो इसी चीज को पेस्ट करना है। तो हम इसको कॉपी करेंगे और जहां भी पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल, और यहां पे देखिए पेस्ट कमेंट एंड नोट्स दिख रहा है। ओके ओके कीजिए तो इसका डेटा और बाकी चीज नहीं आएगा, सिर्फ यही आएगा। ठीक है सर, अब इससे आगे बढ़ रहा। अब इसे कभी कभी क्या होता है कि हमें इसकी बॉर्डर नहीं चाहिए होती है, तो राइट क्लिक किया पेस्ट स्पेशल, यहां पे आता है ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर, सब कुछ आएगा बॉर्डर नहीं आएगा, सब कुछ आएगा बॉर्डर इसका नहीं आएगा, राइट। दूसरी चीज क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम को अपने हिसाब से फिट कर लेते हैं, जैसे मैं डबल क्लिक किया तो ऑटो फिट हो गया ताकि सेम साइज हो। आपने अभी देखा था, तो पहले जब रिपोर्ट ओपन किया था उसमें आपने देखा था, तो अब मैंने यहां इसको कहीं पेस्ट किया मैं यहां कहीं इसको पेस्ट किया तो क्या होगा, इसमें इसका कॉपी कर लेता हूं मैं इसको और कहीं पे पेस्ट किया पेस्ट स्पेशल, और पेस्ट स्पेशल में अगर मान लीजिए मैंने कर दिया यहां पे वैल्यू कर दिया है तो नॉर्मली पेस्ट कर दिया तो क्या होगा, देखिए कॉलम की विड्थ नहीं आई ना सर। तो होगा क्या कि जब हम कोई ए करेंगे कोई रिपोर्ट वगैरह पे पेस्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत होगा सर। तो यहां पे हम चाहते हैं कि कॉलम विड्थ आए, दोबारा आप इससे पेस्ट स्पेशल कॉलम विड्थ कर दीजिए तो आपको पेस्ट हो जाएगा, इस पर कॉलम विड्थ आपका पेस्ट होगा, डेटा पेस्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा जब आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं तो सिर्फ कॉलम की विड्थ पेस्ट होती है, डेटा पेस्ट नहीं होती। डेटा दोबारा से पेस्ट कर लें या फिर आपके पास अपडेटेड वर्जन है तो यहाँ पे ये सिंबल होता है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, इसमें डेटा और कॉलम विड्थ दोनों आएगा, इसका यूज कर सकते हैं, तो ये दोनों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब चलिए डेटा में कुछ हम ऐड करते हैं, जैसे डेटा में मैंने डेट को ऐड कर दिया, लेकिन जब हम डेट को जब हम वैल्यू पेस्ट करते हैं, डेट को हम वैल्यू पेस्ट क्यों करेंगे, डेटा को हम कॉपी करके इसको डेट को करते हैं पेस्ट वैल्यू,
इसमें क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर्स आ गए, तो पहले ही चीज को समझिए कि नंबर है क्या। नंबर है, यह है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर कैलेंडर। कंप्यूटर कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ है? आप कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं, फर्स्ट जैन 1900 को, फर्स्ट जैन 1900। फर्स्ट जैन 1900 वाले डेट को जनरल फॉर्मेट करेंगे तो वन आता है, मतलब कि पहला दिन। अगर मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया और इस 32 के ऊपर अगर हमने डेट का फॉर्मेट अप्लाई किया तो ये आपको आएगा फर्स्ट फाइव 1900। इस तरह से 356 के जगह पे 7 कर दिया तो देखिए ईयर चेंज हो जाता है, ईयर चेंज हो गया। सेम इस तरह से 44013 कर दिया तो ये दिन बन गया। ऐसा होता क्यों है? जैसे कि देख लीजिए, आपने कोई डेट डाला हुआ है, ये डाल दिया, तो एक्सेल का रूल कहता है कि किसी भी नंबर के साथ अगर कोई करेक्टर जुड़ा है तो इस पे आप किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। बट इसमें तो हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में डेट नहीं है, क्या है? नंबर है, और कैलकुलेट होके नंबर ही आ रहा है। तो पेस्ट एज ए वैल्यू हम करते हैं तो क्या होता है, रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। क्या होता है? रिमूव ऑल फॉर्मेट्स, और मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट कर ले, हमने यहाँ पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट करके ओके किया। तो यहाँ पे देखिए डेट जो है हमारा, बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई, बट डेट की फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे आती है। ओके, तो किसी को डाउट है इसमें, ये जो अभी अभी जो मैंने बताया इन सारे ऑप्शंस में? नहीं जी, नहीं सर, क्लियर है, क्लियर है ना। अगला ऑप्शन आता है ऑपरेशन का। ऑपरेशन क्या करता है? जैसे कि अगर 30 है यहाँ पे 20 है, अगर 30 को कॉपी करके 20 के ऊपर प्लेस किया तो 20 रिप्लेस बाय 30, राइट सर? ओके सर। लेकिन पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल में अगर आपने यहाँ पे कर दिया ऐड, तो अब दोनों के बीच में कॉपी नहीं होगा, दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा और रिजल्ट आपके सामने 50 आएगा। अब आपको यही पे रिसर्च करना है कि आप अपने ऑफिस में इस फीचर का क्या यूटिलाइज कर सकते हैं।